हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुपिकी ब्लॉग। और मैं हूं आपकी दोस्त मधुमिता। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे हो, बढ़िया हो, और मैं भी अच्छी हूं। थोड़ा बहुत गला ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये है नया ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग, और हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद टू गोवा। पिछले साल हम लोग गए थे 10 मई को गोवा, और इस साल 12 मई को जा रहे हैं। और सुबह के 5:30 बजे हम लोग की फ्लाइट थी, और 3 बजे ही हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखे, इंजॉय करिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक भी कर दीजिएगा। सो, हम लोग पहुंच गए हैं गोवा, और कार हम लोगों ने कैब बुक किया, कैब से हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग पिछले साल जिस रिसोर्ट में रुके थे वहीं पे रुकने के हम लोगों ने सोचा है, तो बात की है, तो उन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद ही हम लोगों को रूम मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि अब तो सुबह ही हम पहुँच गए हैं, तो इतने देर तक मतलब क्या करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि दूसरे रिसोर्ट में तब तक रहे जब तक वो वाला रिसोर्ट में नहीं मिल रहा है रूम। तो हम नए रिसोर्ट, नए क्या, वो जो जिस रिसोर्ट में अभी हम लोग जाके रहेंगे वो कासा ब्लांका है। और यहाँ पे हम लोग जब फर्स्ट टाइम गोवा आए थे 2014 में, उस टाइम इसी रिसोर्ट में हम लोग थे, ये कासा ब्लांका में। तो हमने सोचा यहीं पे, यहाँ से 1 ही मिनट बस पैदल ही पास में ही है जहाँ हम लोग रहेंगे 12 बजे के बाद जहाँ रूम मिलेगा, तो वो है सी मिस्ट रिसोर्ट। तो अभी तो कासा ब्लांका में आके हम लोग यहीं पे नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग सो गए थे। सोने के बाद उठ के फिर हम लोग जा रहे हैं वहीं पर सी मिस्ट रिसोर्ट में, बस पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि बस बगल ही में है। और वो रिसोर्ट में रहने का रीज़न ये है, मुझे बहुत पसंद है, वो बिल्कुल सड़क के किनारे हैं, आपको कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप मतलब शॉप वगैरह वहीं पे है, तो वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है स्विमिंग पूल जो है वहाँ पे बिल्कुल उतना भीड़ भाड़ नहीं रहती, बिल्कुल पीछे की तरफ है, बिल्कुल अच्छे से मतलब मुझे वहाँ पर शांति मिलती है। और ये कासाब्लांका में जो स्विमिंग पूल है वो उसके बिल्कुल जहाँ पे आप नाश्ता करेंगे उसी के सामने ही है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पे पसंद है वो भला रिसोर्ट, तो इसी वजह से वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे भी रह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। बस यही दो रीज़न के वजह से मैं वहाँ पे रहती हूँ। और हम लोग शूज़ वगैरह सब कुछ खोल चुके थे, ऐसे ही चप्पल पहन के फिर जा रहे हैं, बस सारे सामान ऐसे ही बैग में जैसे तैसे करके लेके बस पैदल जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग स्विमिंग किए कुछ देर पहले, तो आके ड्रेस चेंज किए, नाश्ता किए, फिर स्विमिंग किए, हाथ धो के, फिर यहीं पे लंच करके हम लोग ने अभी पूरा तैयार व्यार होके जा रहे हैं बागा बीच। तो वीडियो को देखेंगे गाइस, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज सॉरी मेरे वॉइस बहुत ही खराब आ रहा होगा।
गोवा में घूमने का सबसे आसान मतलब बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि स्कूटी में आप जाएँ। तो हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ले लिया था, जहाँ पे जहाँ जिस रिसोर्ट में रहते हैं वहीं पे मिल जाता है, तो वहीं से ले लेते। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, आप बोर कभी नहीं होंगे दोनों तरफ। अब देखिए आप अगर नेचर लवर है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं बागा बीच और हम लोग रुके हैं कैंडोलिम बीच पे, वहीं पे रहता है कैंडोलिम बीच पे रिसोर्ट पे। और बागा बीच जा रहे हैं हम लोग, स्कूटी पे जाते थे तो 10 से 15 मिनट लगता है वहाँ से, बिल्कुल पास, ज़्यादा दूर नहीं है। कैंडोलिम बीच से आपको हर चीज़ मतलब हर जगह जाने की सुविधा है, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कैंडोलिम बीच। हम लोग ना गाइस बागा बीच का जो सड़क है वो पीछे छोड़ के इधर आगे आ गए थे, क्योंकि रात में आए थे, पिछले साल रात में आए थे बागा बीच, और दिन में मुझे लगा वही सड़क, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज के चक्कर में फिर थोड़ा सा आ गए। फिर यहाँ से गाड़ी हमने टर्न किया, सो फिर से जा रहे हैं। और सड़क के किनारे कितना अच्छा चर मतलब सॉफ्ट है, कितना मतलब स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के। तो हम लोग एयरपोर्ट। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलता है फिर अगले वीडियो पे, नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय।